अरे 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 डरीला घोड़ा लाल हाई यूनिकॉर्न्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अभी बज रही है सुबह के 8:30 और मैं कॉलेज के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद ही निकलूँगी। लेकिन बडीज़, कल रात को इतनी ख़तरनाक बारिश हुई ना, मत पूछो, भयंकर वाली, जिसकी वजह से कल रात से ही, मतलब रात को 2 बजे लाइट चली गई थी, तब से लेके अभी तक लाइट नहीं आई है। और अभी जो रोशनी आपको दिख रही है, ये तो इन्वर्टर चल रहा है फिलहाल तो। लेकिन आजकल इन्वर्टर भी इतनी जल्दी शट डाउन हो जा रहा है ना, मेरे को लगा कि लाइट आ गई है, वाईफाई चल रहा था। तो मैंने मम्मी से पूछा कि लाइट आ गई क्या, तो मम्मी कह रहे हैं कि नहीं, लाइट नहीं है, हमारा वाईफाई भी इन्वर्टर से कनेक्ट है, इसी वजह से तो इन्वर्टर इतनी जल्दी शट डाउन हो जा रहा है, भयंकर। तो वो फटाफट से नाश्ता करती हूँ, फिर निकलते हैं। ये देखो, बाकी पूरे घर में अंधेरा है। मम्मी कहाँ जा रहे हो? ओहो, ये दरवाजा इतनी जोर से क्यों भटकता है, भयंकर। देखो बाहर का मौसम, ये ठंड हो रही है ना आज। बस मेरे से यार, मम्मी ने धुलाई नहीं किया भाई, ये बारिश का वाला गीला है। आज तो मुझे लग रहा है मम्मी धूप भी नहीं आने वाली है। कहा का सोनू, खुल गया क्या कुकर? यार मुझे भी नाश्ता करना, कुकर ही नहीं खुला, बताओ। अयो, ये भी एक स्ट्रगल अपने आप में है। मम्मी लाए क्यों था, मुंह पे लगाने के लिए? इसका तो हेयर मास्क भी बन सकता है। कहाँ से, छत से लाए? अनीता दीदी के है ना ये तो। ऐसे यार, आप कार्टून लग के खाली हो गए। ब्लीच कराया ना, तो ब्लीच के जैसे मेरा फेस पूरा काला हो गया। इससे ठीक हो जाएगा? कहाँ हो रहा है, अभी कितने महीने लगेंगे, ब्लीच ने पहले कराया था ना। अरे खुल जाए यार, ये लेट हो रहा है। हो गया मम्मी, हो गया ऑलमोस्ट, मुझे लेट हो जाएगा भाई। फाइनली खुल गया है। ये देखो, आज मम्मी ने बनाए हैं पुलाव, लेकिन पुलाव तो दिख ही नहीं रहे हैं, ऊपर न्यूट्री और मटर ही मटर दिख रहे हैं और गाजर। चलो लेट्स सी। अब देखिए, ये देखो बडीज, कितना यम्मी लग रहा है यार। निकाल रही हूँ, वेयर इज माय टिफिन। ये देखो, मैं इतने बड़े टिफिन में लंच लेके जाती हूँ। और बोलती हूँ मैं कुछ नहीं खाती। अरे मैं अकेले थोड़ी खाती हूँ, फ्रेंड्स भी होते हैं ना, तो अकेले नहीं खाया जाता मम्मा। बस तो यार, मैं तो यहीं पे खड़े खड़े खा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी लाइट वेस्ट नहीं करते हैं, एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो दिन भर कैसे चलेगा। गाइस, मैं कद कद बांध रहा था मैं, या ऑगस्ट गाइस बोले साफ ना है क्या। हाँ मम्मी तो बड़ी हो ना, ये उपाय बता दिए ना। हाँ भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट मम्मी के लिए कोई बढ़िया सा तरीका बताओ, इससे मम्मी और कुछ मुँह माँ पोते और मुँह काला हो जाए। ऐसे नहीं होगा मम्मा, एक बार डिटेन करवा लो। तो भाई नाश्ता तो हो गया मेरा और पेट ज़्यादा ही भर गया, अब मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। अब आपसे मिलूँगी सीधा शाम को। कॉलेज में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता भाई रिकॉर्ड करने का, क्लासेस चल रही होती है, फिर बीच में अच्छा भी नहीं लगता ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, बाय। बडीज़, मैं कॉलेज से घर पहुँच गई हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, अभी तो टिफ़िन किचन में रखने आए हैं, उसके बाद मम्मी के रूम में जाऊँगी। दिख रहे होंगे मम्मी आपको पीछे से थोड़ा थोड़ा। ये देखो मम्मी अकेला अकेले लूडो खेल रहे हैं, मेरा वेट भी तो कर सकते थे आप। है है, तुझे पता नहीं था क्या? कुछ काम कर रही हूँ, समझ जाना चाहिए ऐसे बोलने का मेरी माँ को। ये तो
लूडो खेल रहे भाई, लूडो। तो बडीज अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मम्मी टायसन को बाहर लेके चले गए हैं उसे घुमाने के लिए, और अब मैं करूँगी पूजा क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है। तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं भाई। सच अ बोरिंग डे, मतलब आज का दिन इतना बोरिंग रहा ना, सच में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, कुछ भी नहीं था करने को। कॉलेज गई, पूरा दिन वहाँ दिमाग ख़राब हुआ, फिर उसके बाद घर आके आपको पता ही है सब कुछ। जी हाँ, तो यार पूजा भी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ बाहर मम्मी के पास। अंदर ही अंदर बोर हो गई हूँ यार, सच अ बोरिंग डे इट वॉज। मौसम देख रहे हो बाहर का, भयंकर काले बादल छा रखे हैं भाई। आज पूरा दिन धूप नहीं आई, देखो मुझे तो लग रहा था ठंड कम होने का वक्त आ गया, यहाँ तो ठंड बढ़ती जा रही है। मम्मा इसने कर दिया वो। हाँ ताई पहला हो एल बड़ूड़े री मैं मेरे तो काम हुई हो आप काम पे घूम पे उड़ा थी। अरे वो कर क्या आ रही है आपका सही है, अकेले जाओ अकेले आओ, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। किसको ले जाओ फिर, तेरी मम्मी जी माली हुई क्यों नो पकड़ी हो रही है मम्मी है। ये इनको गुस्सा नहीं कर रहा है? किनको? इनको। उनके पास जाने का मौका कहाँ मिल रहा है? थोड़ा थोड़ा सा लेके जाओ। नहीं नहीं थोड़ा सा मम्मी, थोड़ा सा लेके जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। देखते हैं करता नहीं करता, पर ज्यादा डील मत देना हमें, ले जाना मणि में ले जाओ। गैंग कर दिया अचानक भाई। तो आज बिल्कुल धूप नहीं आई ना, मौसम देखो क्या खतरनाक काले बादल छा रखे हैं चारों ओर। अरे बाबू मम्मी डरो पर टैशु आओ ब्लॉग फार्म आ दरो पर तमर जे डर बाबा हो टैशु तो को फार्म आ तो दरो टैशु डर 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 ही लगुड़ा रात प्यार करू यार मम्मी। ए महाराज मम्मी टैशु के बे कोले दी बुला को करो ना टैशु को दो बुला ना लगे अपने को नहीं टैशु टैशु को टैशु तक ताई की हालत खराब हो रखी है। अरे 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 डंडा पकड़ा ना उसने तब कर रहा हो। डंडा देख के चुड़ता है वो बहुत। सोना अब नहीं देगा, अब नहीं देगा, अब घुघाट करा ला दिया टैशु। अरे कान पकड़ दियो सारा छोड़ा बुला दान का शब्द कान पकड़ लेना कान पकड़ तो सही टैशु पकड़ तो खाली ता दे दियो तबे न करन कोनी छी तदु टैशु तदु डर टैशु आ दे ऐसे कैसे चलेगा रे लंबा है फिर वो मम्मी से। हाँ हाँ क्यों नहीं है लंबा है वो अपना रशी ऊपर आ गया। मम्मी ये आदत मत डला बोल रही है, बाद में भी ऐसे खींच के इसने मुझे मेरा हाथ से छीना था रस्सी एक बार। गलत चीज में उसको सहारा मत दो। बैठ हाँ आ दे। हेलो कैसे शेक चेको जल्दी लड़ा ऐशु लड़ा चुपचाप बैठे रहे। अब बदतमीज छोकड़ा बदतमीज छोकड़ा है तो बदतमीज छोकड़ा। चले अंदर चले बाय ताई बाय। कम कम अंडा खाया ना तेरा बोरा ते पेट खराब हो तमार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चिकन भी शुरू कर दो जब आपने अंडे शुरू कर ही दिए तो। चिकन तो कभी नहीं करूंगी। पत्ते ना
ये ले तो ना खाए, इतना तो तूने काम भी नहीं किया जितने तू पानी पी रहा है। मम्मी काट के फेंक देना उधर का, हाँ अगर चूहा ले गया तो बीमारी होती है पता आपको। इसकी रोटी देख, तेरी रोटी देख, चूहा चुरा रहा है, बेवकूफ डॉगी। स्लीपर अंदर पहन के जाओगे आप, मिट्टी वाले और के मेरे से पहले जाता है अंदर सांप जैसा। देख रहा है छोटू तेरे खाने की जुगाड़। उई माँ ये गरम क्यों रखा है? गरम रखा क्या है, गरम क्यों रखा? इस बात को नहीं, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही है। इसको कहाँ बैठा हुआ है? बाहर मिलेगा खाना या नहीं खाएगा? कुंडनी लगा रखी है मम्मा। तू खोल, तू खोल, तू पहले गया था, खोल बदतमीज छोकड़ा। अब जाओ आप, मम्मी गर्म तो नहीं हो रहा ज्यादा? सर टाइसन सर खाना खा लिया तो अंदर दर्शन दो, जल्दी आओ। अच्छा इधर इधर टाइसो, खाना खा लिया है ना? एक बार में कहना मानना सीख ले, बहुत कुटेगा वरना। मम्मा तेरे को कुछ और भी दे रहे हैं, चल दूध पी रहा है अब। हाँ भुक्कर नहीं तो। तो भाई हम लोग का सारा काम निपट गया है, टाइसन में अंदर आ गया, खाना पीना खा लिया है और मम्मी तो कुछ नहीं खा रहे। खाओगे मैं आप कुछ? तो मैंने अपने के लिए काट लिए हैं माल्टा, क्योंकि मेरा सिर्फ यही खाने का मन कर रहा था, उल्टी जैसी आ रही थी। तो यहाँ पे मम्मी साड़ी ट्राई कर रहे हैं, एक बार पहनने दो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मम्मी कैसे लग रहे हैं। क्यों आप हर चीज़ रिवील नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? दिखाना है दिखाना, एक बार आप पहनो फिर दिखाऊंगा। नहीं दिखाएंगे भाई, नहीं दिखाएंगे, ठीक है, मम्मी रिवील नहीं करने वाले हैं। क्या ही बोले अब, सिर्फ मैं चुपके से दिखाऊंगी आपको। ओके बना बना जाओ, तो हाँ क्या इसको देखो, एक ही बकरा खाएगी। मैंने माल्टा भी खत्म कर दी है और मम्मी ने चेंज करके अपनी जगह ले ली है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। दिखाती हूँ आपको कौन है भाई, ये है मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। इतनी गप मारते इतनी गप मारते, इनकी बात ही खत्म नहीं होती है भाई। 14 मैं बोली तो इन्होंने जीवन के 20 साल एक साथ निकाले, फिर भी पता नहीं कहाँ से लाते हैं बातें, खत्म नहीं होती है। ट्रेंडिंग बात है, अच्छा खाना नहीं बनाओगे? नहीं नहीं खाना खा ले, आपको खाना खाना रह गया आंटी, ऐसे कैसे चलेगा रे? नहीं तेरे अंकल के लिए तो बनाना पड़ता है भाई, खाना नहीं तो बीवी नहीं। चलो चलो करो यार आप बातें, पेट का रास्ता ना खाने से गुजरता है बोला। सबका आंटी सबका वही है, सबका वही है। ओए अभी मैं गिर गई होती बेड से, शिट। सोना अपने रूम में नहीं सो सकता तू, इधर जमीन में सो रहा है। इधर चल खड़ा हो जल्दी। क्या पता जल्दी आ, अरे मेरे पीछे मत आ बोला, कमरे में चल, अपने रूम में चल, अपने बेड में। इधर मस्ती खोर जल्दी आ, चलो इधर बैठो, इधर बैठो जल्दी से बैठो, इधर चलो बैठो, सिट, सो जाओ। तो यार मैंने टाइसन को उसके बेड में सुला दिया है और मम्मी तो आंटी से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हम दोनों के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों को गर्म पानी पीने की आदत हो गई है बहुत टाइम से, मेरे मतलब 2 महीने तो हो ही गए हैं मैं गर्म पानी पीते पीते।
तो अब नॉर्मल पानी पिया ही नहीं जाता. गुड हैबिट. आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट दिस. क्या ठंड हो रही है भयंकर बाहर. मम्मी आपको कितना गर्म चाहिए? आ जाओ. अभी फोन कट गया होगा ना पक्का है. फोन कट गया होगा तब तो आए ना आप यहाँ. है ना वही मैं सोच रहा हूँ कॉल मतलब. अरे मम्मी ये मेरा हैंकी है. जी भी बोले यूज भी करना है आपको. पहले अपनी वाटर में डाल लेना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गर्म नहीं हूँ. देखिए ना बूझा जा रहा था तो फिर हाथ में जाएगा. तो इतना गंदा निशान है क्या आपका हाथ में जाने तक? पानी बनने के बाद मम्मी को भूख लग रही है देख रहे हो. अब क्या खाने वाले हो आप? दूध बना रही. गुड चॉइस. आजकल मम्मी हेल्दी हेल्दी खाना खा रहे हैं. मतलब बाहर का तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया. चिकन खा रहे हैं दूध पी रहे हैं और घर का ही खाना खाते हैं. वर्किंग ऑन हर बॉडी. मेरा तो कुछ नहीं है भाई. मेरे हाथ में जो आए मैं वो खा लेती हूँ. सुना कल गोलू का बर्थडे है. हमारे गोलू का है. तो गोलू तो मेरा व्लॉग देख ही रहा होगा. सो गोलू विश यू हैप्पी बर्थडे एडवांस. में तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग कल ही देखने वाले और कल ही उसका बर्थडे भी है. तो आई एम ऑन द राइट टाइम. विश यू हैप्पी बर्थडे. आपकी सारी विश पूरी हो और आप हमेशा खुश रहो. ये देखो हमारे घर में इतनी बड़ी बिल्ली है. इसको पी लो जो इतना भर के रखा है यहाँ पे. भाई किसी को दूध ऐसे कैसे पसंद हो सकता है. मम्मा अच्छी यार. भाई मम्मी ने तो दूध पी लिया है और अभी जा रहे हैं सोने के लिए. अभी बज गए हैं रात के 8:30. भाई बहुत देर हो गई. मम्मी तो 7 बजे सो जाने वालों में से है. तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में पढ़ाई करने. और पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्योंकि एक दो टॉपिक क्लियर करने हैं मुझे. एग्जाम्स भी आने वाले हैं. किसका कॉल आया? मम्मी सौरभ का कॉल आ रहा है यार. तो भाई आज का ये व्लॉग एंड करें यहीं पे. आई होप आप लोगों ने आज का छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट. और मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट व्लॉग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक ले टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.